सो हे गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज रोहित एक्स फिट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड गाइज, मुझे मालूम है कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो फिटनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे या फिर वो एक खुद बॉडी बिल्डर होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है गाइज, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइज, सबसे पहले आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि आपको सीधी भाषा में समझ में तो नहीं आएगा, तो इस स्टोरी के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। देखिए, मैं तो काफ़ी सालों से जिम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक ना, तो वो मुझे बोला कि रोहित भाई, मुझे बॉडी बनाना है, तो मेरा बॉडी बनवा दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बॉडी बन जाएगा। तो फिर वो मेरे साथ जिम करने लगा। तो एक हफ्ते के बाद वो मेरे से बोला कि भाई, कि बॉडी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ मेडिसिन, कुछ टैबलेट या कुछ भी बता दे ताकि मेरा बॉडी जल्दी से ग्रोथ कर जाए। मैंने सबसे पहले उससे एक ही बात बोला कि भाई, अगर टैबलेट से अगर सच में बॉडी बन जाती ना, तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि इतने सालों से हार्ड वर्कआउट कर रहा हूँ एंड अच्छा डाइट ले रहा हूँ एक अच्छा फिजिक्स पाने के लिए। तो फिर वो बंदा चला गया एंड कल से जिम आया ही नहीं, ठीक है। तो वो फिर मुझे मिला दो मंथ के बाद, ठीक है, दो मंथ के बाद वो मुझे फिर से मिला। तो जब मैंने देखा ना उसे, तो यार एकदम शॉक्ड हो गया था कि पूरा उसका शरीर एकदम फूल गया हुआ था, पूरा फेस उस एकदम फुला हुआ था, पूरा फैट, मतलब फैट काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो गया था उसके बॉडी पे। तो गाइज, मैंने देखते ही उसे कहा कि भाई, ये क्या हो गया तुम्हारे शरीर पे कि बहुत ज़्यादा मोटे दिख रहे हो, पूरा फेस उस एकदम पूरा फुल फल गया है। तो उसने बोला कि भाई, एक जिम ट्रेनर के अंडर में रह के ना मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और वो जैसे जैसा डाइट बतला रहा है वैसा वैसा मैं डाइट ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो उसका शरीर देख के ही मालूम चल गया था कि वो ज़रूर कुछ उल्टा फुल्टा मेडिसिन हो गया है या फिर कुछ भी टैबलेट वो ले रहा है। तो उसके बाद वो चला गया, हम दोनों चले गए। तो गाइज, उसने मुझे एक मंथ के बाद, एक या शायद डेढ़ मंथ के बाद मुझे कॉल किया कि रोहित भाई, कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, हम कल बात करते हैं। तो काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर वो मॉर्निंग में मिला मेरे से, ठीक ना, वो मेरे से मॉर्निंग में मिला। तो मैंने उससे एक ही बात बोला कि तुमने मुझे बताया नहीं कि भाई, तुम टैबलेट ले रहे हो बॉडी बनाने के लिए, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ गलत चीज़ ले रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम मेडिसिन ले रहे हो, जो तुम टैबलेट ले रहे हो, तो उसे सबसे पहले तुम छोड़ दो, ठीक है। तो वो उस दिन के बाद उसने टैबलेट खाना छोड़ दिया, मेडिसिन जो भी ले रहा था वो खाना छोड़ दिया। फिर गाइस, डेढ़ मंथ या दो मंथ के बाद फिर उसका जो भी उसका प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, जो भी उसका जो भी वो खाना खाता था नहीं पच पाता था, ये सब सारा प्रॉब्लम उसका ठीक हो गया। इस स्टोरी से मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि फिटनेस के कारण आप अपने फिजिक्स को कभी भी ख़राब मत कीजिए किसी के कहने पे। अगर कोई आपको बोलता है कि ये टैबलेट ले लो कि भाई, तुम्हारा बॉडी जल्दी बन जाएगा, तो सीधी सी बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि भाई, टैबलेट या कोई मेडिसिन से बॉडी नहीं बनती है, एक हार्ड वर्कआउट एंड एक अच्छा डाइट से ही आपका बॉडी बनता है। तो इस वीडियो के थ्रू यही समझाना चाह रहे थे आप लोग को। और एक बात और गाइज, आप सीधी सी बात समझो कि फिटनेस का मतलब क्या होता है। फिटनेस का मतलब ही होता है अपने बॉडी को फिट रखना, आपका एक हेल्दी लाइफ हो, ठीक है। तो ये फिटनेस का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई, कोई भी टैबलेट खा लिया और मेरा शरीर मोटा हो गया, फैटी हो गया, और शरीर में काफ़ी ज़्यादा फैट दिख रहा है, तो मेरा बॉडी बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में जो भी बेकार के थॉट्स है वो निकाल दे कि कोई मेडिसिन से मेरा शरीर बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही हार्ड वर्कआउट एंड एक अच्छा डाइट लेना पड़ता है यार। ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो पैसन है ना, बहुत महंगा पैसन है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, एंड पैसेंस भी चाहिए होता है, एंड एक हार्ड वर्कआउट भी चाहिए होता है। सो गाइज, एक बात आपको बतलाना भूल गया था कि वो कौन सा टैबलेट ले रहा था जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो वो टैबलेट कौन सा है आप स्क्रीन पे खुद ही देख लो, ठीक है। तो ये है वो टैबलेट, एंड तो आपको मालूम चल गया कौन सा टैबलेट वो ले रहा था। इस टैबलेट के कारण उसके साथ ये सब सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, ठीक है। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि एस्टेरॉयड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसका जवाब भी मेरे पास है। इस पर मैंने एक पार्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, एंड आपके मन में ये कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को आई बटन पे मैं दे दूंगा, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख लेना। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं रोहित एक्सपीट। ये थी आज की वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जिसके मन में ये कन्फ्यूजन है कि टैबलेट लिया कोई मेडिसिन लेने से उसका बॉडी बन जाएगा, तो उन जैसे दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका आँख खुल जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक अफवाह है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, घंटे को दबाने से ये होगा जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए रोहित एक्सपीट, वहाँ मुझे डीएम कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो अबाउट फिटनेस। ठीक है, तो